देखो जरा कैसे अकेले बैठ के चाय पी रही है। आपा को तो पूछ ही नहीं रही। अरे मेरी आपा लो चाय पी, खुद बनाई थी, उसको कहा तौफीक है एक कप चाय बना के दे दे मुझे। अच्छा ले पी ले, ले। अच्छा सुन, मैंने रशीदा से बात कर ली है, वो तेरा एक बच्चा लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाय वाय नहीं कर, समझ गई ना। और सुरैया भी राजी हो गई तेरा बच्चा लेने के लिए, मगर तुझे उसके घर जाना पड़ेगा ताकि घर भर देख ले उसका। हाय वाय नहीं, सोना है ना तो सोच ले, फिर मुझ पे इल्जाम नहीं लगाना कि मेरे बच्चे छुड़वा दिए। साफ बात बता रही हूँ तुझे, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि जो तेरी रेस गाड़ी को रख सकूं। अगर तुझे रहना है तो रह, नहीं तो दफा हो इधर ही मर। इतना शोर क्यों मच रहा है यहाँ पर? संभालो इनको कोई। संभालो इनको, ये तेरी रेस गाड़ी है जो नाच रही है। कि नूरा से कोई काम वाम नहीं होता, चार बच्चे नहीं संभाल सकती है। आपा गिनती ठीक कर लो, तू खुद ही कर ले ठीक। है आपा एक बात बताओ, ये नूरा किसी कोने में बैठी किताबें पढ़ रही होगी, किताबें पढ़ने का मरज हो गया उसको। अच्छा तो ये बात है, जब भी मैं कहूँ कि ये इतनी काहिल वजूद क्यों है, इसका काम में दिल क्यों नहीं लगता, एक बात बता तू उसे पढ़ने क्यों देती है? मेरा दिमाग खराब है आपा, जो मैं उसे पढ़ने के लिए कहूँ? तुम्हारे सर की कसम, इतनी ढेर किताबें जलाई है मैंने उसकी और इतनी भूसी टुकड़े वाले को दी, चुपचाप कहीं से मांग के किताबें ले आती है, कोने में छुप के पढ़ती है, किताब बंद की खामोशी से वापस करिए। हाय हाय किस कदर चलाको मासी है ये। ऐसी वैसी, अरे ऐसा दिमाग चलता है इसका इधर उधर के कामों में, अपने मतलब की सारी बातें समझ में आती हैं, और मैं जो कोई काम कह दूं तो सर पे हाथ मार के कहती है मैं तो भूल गई। अरे ये सब ड्रामे हैं। हाँ। काम ना करने के बहाने और क्या। ये तेरी चिल्लर पार्टी ना ऐसे सही नहीं होगी, इनको तो मैं ही सही करूंगी। ठहर जा कब तक, तो मैं आ रही हूँ। अरे हल्का हल्का हल्के, अपने घर के बच्चे बनकर बनकर वाली बनकर दिमाग खराब कर दिया। ओ कहाँ गई वो? कौन? नूरी आपा। हाँ तुम्हारी नूरी आपा सड़ी हुई, वो तो चली गई। है 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 कहाँ गई, कहाँ भाग गई वो? अब्बा का कारोबार संभालने। अब्बा का कारोबार संभालने? तो अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं है? उसने मना किया था ना, और उसने कहा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं सबका ख्याल रख सकती हूँ। बड़ी हो गई, बुढ़ी हो गई है वो। हाय मैं क्या करूँ। अब बाना ए बाना मैं जल्दी आ। अब तू तो जा मेरी चप्पल लेके और लपक के जल्दी आ जा। बाना जल्दी आ। अरे क्या हो गया, कौन सी कयामत आ गई? अरे कयामत तो जब तू सुनेगी ना तो उससे बड़ी कयामत आएगी। चली गई वो मीसड़ी कारखाने में कब्जा जमाने। भाई मैं मर गई। अरे ये मरना जीना बाद में करना, तू बैठी रहे फसड्डी की तरह। अब देख मैं उसका क्या हशर करती, उस जन्नम जली का तो ऐसा बेड़ा गर्क करूंगी कि वो भी याद करेगी। नहीं छोड़ूंगी उसको, नहीं छोड़ूंगी। Thank you.
सुनो, हे तुम चाचा के लिए काम करते थे? हाँ जी। तो कल से काम पे आ जाना और बाकियों को भी कहना कि कारखाने का काम शुरू हो गया। कारखाना कौन चलाएगा? मैं और कौन? ओ कमीनी मिसरी, इधर आ तुम। चाची, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस दिन खाना देना ना भूलती तो चाचा को कभी इतना गुस्सा ना आता और उनका इंतकाल भी ना होता। मैं यतीम खाने भेज के जो सजा आप मुझे देना चाह रही हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर पे रह के बच्चे संभालूंगी, आप कारखाना संभाल लीजिएगा, लेकिन खुदारा मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। बस बस बकवास बंद कर अपनी, जो कह दिया सो कह दिया। अब तू जाएगी यतीम खाने और ज्यादा बड़बड़ करी तो यतीम और बेवा की जायदाद हड़प करने के चक्कर में तुझे बंद करवा दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ नहीं कर सकती तू अच्छी तरह जानती है। चाची आप तो मुझे समझे, मैं तो आपकी भतीजी हूँ। अरे जा, कहाँ की चाची कहाँ का चाचा, न देवर रहा ना मियाँ, कोई रिश्ता नहीं अब तेरा इससे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी यतीम खाने में? वहां तो कोई मुझे काट के डाल देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस बस, मैंने बात कर ली और तुझे अब वहीं रहना होगा और ज्यादा मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। अरे तू तो इस काबिल भी नहीं है कि जिंदगी में कोई अच्छी चीज तुझे मिले। चाची जरे का ढेर है तू, कचरे भी रहेगी। सुन लिया या कुछ और सुनना चाहती है? कचरे का ढेर है, कचरे में रहे, जाके मर, दफा हो इधर से।
पापा, अब रो रही हो? नहीं तो तुमसे उन लोग रोते हैं और मैं कमजोर नहीं हूं। मैं आपको बहुत याद करूंगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम चाची का ख्याल रखो। अब कहाँ रहोगी? मैं गमों की दुनिया में खो जाऊं। हो सकता है कोई मुझे चाकू से मार दे, तो पता भी नहीं चलेगा। वो आपको मार देंगे। पता नहीं, मार भी तो सकते हैं। मेरे माँ बाप तो नहीं होंगे ना? फिर पप्पू सुरैया खाला के पड़ोसियों के साथ कैसे रहेगा? वो उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं? वो भी तो उसके माँ बाप नहीं है ना? तुम परेशान मत हो, वो पप्पू को अपना बेटा बना के रखेंगे। कोई अपने बेटों को नहीं मारता। वो उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। हमारा पप्पू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। फिर मैं उसी के साथ रहूंगी। मुझे काला के घर नहीं जाना। मुझे काला के घर तो अपनी अम्मी के पास रहना। उनसे पढ़ के तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। अच्छा अब तुम जाके सो जाओ, ठीक है? मुझे बीना के पास जाना है, तुम जाओ। पापा, ये बीना कौन है? तुम रहने दो, तुम जाके सोचो। अब रोना मत। जो ठीक है, रोना नहीं है, जाके सोचो। क्या हम बहुत बुरे हैं ना? नहीं शहजादी रानी, हरगिज नहीं। आप तो बहुत अच्छी हैं, सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। फिर वो हमें समझते क्यों नहीं? हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? जानते तो नहीं है? उन्हें हमारा पॉपुलर होना बुरा लगता है। क्या चाहते हैं वो कि जिन लोगों को वो पसंद करे हम सिर्फ उन लोगों से मिले, या जो वो चाहते हैं बस वो ही बोले? इस महल में जिस तरह दूसरे रहते हैं उस तरह रहे हम? अगर हमारी माँ तवायफ थी तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो फिर क्यों नहीं करते हम पे वो भरोसा? इसी तरह हमारी माँ भी घुट घुट कर जीती रही। सिर्फ नवाब ज्यादा हशमतुल्ला की ऑनरेबल वाइफ बन के रह गई, लेकिन हम ऐसे नहीं जिंदा रहना चाहते ना। हमें आजादी चाहिए। I want my freedom. हम कराची जाना चाहते हैं। हम चले आपके साथ।
नहीं, नहीं। आप बस उनको बता दीजिएगा कि हम चले। बहुत डर लग रहा है बीना, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। पर तुम तो मेरे साथ रहोगी ना? मैम घर ले चलूं? नहीं, पहले मम्मी के यहाँ चलेंगे। बंद करिए अपना रोना धोना। तूने जो किया ठीक किया। खुद सोच, कहाँ पालती, क्या खिलाती, कैसे रखती, तुझसे दूरी सही, उनका मुस्तकबिल तो बन जाएगा। चाची मेरी बात माने, सब ठीक हो जाएगा, हम मिलके रह लेंगे। बड़ा बोलती है भाई, तेरे पास बड़ा दिमाग है, दूसरों का दिमाग खराब करती है। तो गर्मी है, पसीना, आराम से बैठियो, जो पूछे उसका सही सही जवाब दे, और अगर कोई गड़बड़ की ना तो जान निकाल दूंगी तेरी। सुनो, जरा जल्दी आना, ये ट्रेन ना निकल जाए। मम्मी, I'll talk to you later. रानिया, लो मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। You look pretty good. कहाँ? ब्लश और लगा दिया उस लड़की ने, बेवकूफ ने। अच्छा बताओ कितने दिनों के लिए आई? हमें कुछ पता नहीं मम्मी, लेकिन इस बार हम आपको साथ लेके जाएंगे, हम बहुत बोर होते हैं अकेले वहाँ। उस वीराने में? ना बाबा, हम यहीं ठीक हैं, अपने छोटे से कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, कम से कम इंटरनेट के सिग्नल तो आते हैं। That reminds me, I got you a little gift. Oh, iPhone! Oh, thank you, Rania. Oh, lovely. आपकी तबीयत ठीक है मम्मी? हाँ बेटा, आप तो बस डायरेक्टली रेडियोथेरेपी होगी। आपने कीमो से जो मना करवा दिया, तुम्हें पता है ना मुझे गंजे लोग पसंद नहीं। और आपका अपना बेटा जो गंजा हो रहा है, तभी तो मुझे पसंद नहीं है और तुम पसंद हो। मम्मी, that's so sweet. और ये जो तुम मम्मी कहती हो ना मुझे, without inhibitions, I love it. क्या बात है, उदास हो तुम? नहीं तो तुम्हें पता है, जब तुम्हारे रिश्ते के लिए गए थे ना हम, तब तुम हमें पसंद नहीं थी। हम जानते, हमारी मामा की वजह से, तभी तो वरिषा भी अगेंस्ट है इतनी हमारे। वरिषा को छोड़, सो अनरीजनेबल, उसे तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक भी नहीं समझ आता, कहती है मर्दाना शौक है। आजकल मर्दाना जाना ना कुछ भी नहीं होता, जब आप MS करने अमेरिका जा सकती तो फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखना कौन सी बड़ी बात है। लेट हर बी,
बट मम्मी यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, इस दफा आप हमारे साथ जरूर चलेंगे, हम आपके लिए एक से एक डॉक्टर्स का बंदोबस्त कर देंगे, प्लीज। और हॉस्पिटल्स का भी। हम यही ठीक है बेटा। आर यू श्योर? या, आई थिंक सो। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके आते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू हैव कॉफी। कैपुचिनो। गॉड। ओके। चल भाई जल्दी जल्दी कदम उठा, इंतजार कर रही है वो गाड़ी में। मैं सोच रही हूँ अगर ये अच्छी नहीं तो बहुत बुरी जगह भी नहीं है, ये बच्चों ने बनाया है, कितना प्यारा है। मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगी जिसमें फूल होंगे, बाग होंगे, बागों में मैं कौवे ठोंगे मारेंगे तेरे सर पे, दिमाग खराब कर देती है बोल बोल के। चल मैं सोच रही हूँ सारी जिंदगी मुझे रहना है, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? मैं स्कूल है? नहीं, यूनिवर्सिटी है यहाँ, तू जाके मैडम लग जाइए उसमें। अरे चल। सलामुअलैकुम। वालेकुम। फरमाइए। वो जी मैंने बच्चे के सिलसिले में फ़ोन करा था ना आपको। हाँ हाँ, मगर मैंने आपको फ़ोन पर ही बता दिया था कि हमारे पास कोई जगह नहीं, ऐसा करें आप इन्हें कहीं और ले जाएं। जी मैं कहाँ इसे साथ ले लूँगी, आप इसे जहाँ जी चाहे रखवा दो, ये रह लेगी। क्या आपकी रिश्तेदार है ना? नहीं, नहीं तो मैडम मेरा मियाँ फौत हो गया, मेरी तो अपनी रहने की कोई जगह नहीं है, मैं इसे साथ नहीं रख सकती, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मैंने तो अपने बच्चे भी रिश्तेदारों में बांट दिए। ये आपका जाती मसला है, मैंने आपको बता दिया है कि हम इन्हें यहाँ नहीं रख सकते, हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैं आपको दूसरे यतीम खाने का नंबर दूँगी। नहीं जी नहीं, मैं इसे कालिए नहीं फिरूंगी, मैं तो आपके भरोसे ले आई थी, यहाँ वहाँ जाने में तो ट्रेन लेट हो जाएगी मेरी। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? नूरुलैन अनीस, पर मुझे अच्छा लगता है लोग अगर मुझे नूरी पुकारे। नाम से क्या फर्क पड़ता है जी, आप इसे जो जी चाहे पुकार लेना, नूर चश्मी कह लेना, नूर जहां कह लेना, नूरुलैन कह लेना, नूरो कह लेना, बस। अच्छा आप दोनों बातें करो, मैं चली। रुके, मेरी बात सुने, मैंने अभी हाँ नहीं कहा। नहीं मुझे देर हो रही है, मेरी ट्रेन निकल रही है। ओफो, ये क्या मुसीबत है भाई। हाँ रुके। अरे रोको। मैडम आपने कुछ कहा? Thank you.
मैं अब भी यही पसंद करूंगी कि आप मुझे नूरी पुकारें, क्योंकि नूरी का मतलब होता है नूर का बना हुआ, और नूर होती है रोशनी, सफेद, बिल्कुल सफेद। ये तुमने स्कूल में पढ़ा है? नहीं, किताबों में। स्कूल तो बस मैं 2-3 साल गई थी। अपने बारे में और कुछ बताओ। मेरे बारे में? मेरे बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप कहें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं अपने बारे में क्या क्या सोचती हूँ। आपको सुन के बहुत मजा आएगा। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम अपने बारे में जो कुछ भी जानती हो जल्दी जल्दी बता सकती हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें कमरे में भेज देती हूँ। मेरा नाम नूरुलैन अनीस है, मेरी उम्र 18 साल है, मेरी पैदाइश मीरपुर खास में हुई। मेरे अम्मी अबू का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। कुछ दिन तो मैं पड़ोसियों के यहाँ रही, बाद में मेरे चाचा और मुझे अपने साथ ले गए हैदराबाद। तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम था? अनीस और कुरतलैन। कितने अफसानवी नाम है ना, मुझे इस तरह के नाम बहुत पसंद है। कितना बुरा लगता अगर उनका नाम सम्मो या फिर मंसूर होता। अगर इंसान तमीजदार हो तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी यही सुना है और किताब में भी पढ़ा है कि अगर गुलाब को किसी भी नाम से पुकारा जाए तो गुलाब ही रहेगा, लेकिन मैं नहीं मानती। आप भी सोचें, अगर गुलाब को हम चुटकली या फिर बदरू कहें तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? आपका नाम क्या है? ए! दादी कहते हैं मुझे यहाँ सब, दादी। क्या? दादी।
महारानी।